Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice, one version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? भैया मैं उस शेल्फ पर रखी किताब देखना चाहूंगी। कौन सी किताब? जो गाड़ियों के बारे में है। एक मिनट रुकिए, यह वाला? हाँ यही है। यह लीजिए। भैया मैं उस शेल्फ पर रखी किताब देखना चाहूंगी। कौन सी किताब? जो गाड़ियों के बारे में है। एक मिनट रुकिए, यह वाला? हाँ यही है। यह लीजिए। तुम क्या लोगी? पिज्जा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ वही ऑर्डर करूँ। मैंने कल ही पिज्जा खाया है तो। अच्छा तो फिर बर्गर कैसा रहेगा? हाँ वह ठीक रहेगा। तुम क्या लोगी? पिज्जा बहुत अच्छा दिख रहा है। मैं सोच रही हूँ वही ऑर्डर करूँ। मैंने कल ही पिज्जा खाया है तो। अच्छा तो फिर बर्गर कैसा रहेगा? हाँ वह ठीक रहेगा। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज क्लिनिक कितने बजे बंद होगा? हम शाम के 6 बजे क्लिनिक बंद करते हैं, लेकिन 5:30 बजे से पहले आइए। अच्छा शुक्रिया। नमस्ते, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? आज क्लिनिक कितने बजे बंद होगा? हम शाम के 6 बजे क्लिनिक बंद करते हैं, लेकिन 5:30 बजे से पहले आइए। अच्छा शुक्रिया। आज मौसम बहुत अच्छा था। मैं दोपहर में पूल में तैरा और फिर शाम को पिक्चर देखने गया। मैंने पूरी सुबह पढ़ाई भी की। आज काफ़ी अच्छा दिन था। आज मौसम बहुत अच्छा था। मैं दोपहर में पूल में तैरा और फिर शाम को पिक्चर देखने गया। मैंने पूरी सुबह पढ़ाई भी की। आज काफ़ी अच्छा दिन था। ये आपके बेटे की फुटबॉल टीम की तस्वीर है ना? इनमें आपका बेटा कौन है? यह है। अच्छा, सबसे लंबा वाला? हाँ वह मुझसे भी लंबा है। ये आपके बेटे की फुटबॉल टीम की तस्वीर है ना? इनमें आपका बेटा कौन है? यह है। अच्छा, सबसे लंबा वाला? हाँ वह मुझसे भी लंबा है। क्यों न हम अगले शनिवार को एक फिल्म देखने जाएं? हाँ मैं जरूर जाना चाहूंगी, लेकिन सुबह के समय मेरा पार्ट टाइम वाला काम है। आपका पार्ट टाइम काम कितने बजे समाप्त होगा? 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो चलो 3 बजे कैफे में मिलते हैं और 4 बजे एक फिल्म देखते हैं। ठीक है। क्यों न हम अगले शनिवार को एक फिल्म देखने जाएं? हाँ मैं जरूर जाना चाहूंगी, लेकिन सुबह के समय मेरा पार्ट टाइम वाला काम है। आपका पार्ट टाइम काम कितने बजे समाप्त होगा? 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो चलो 3 बजे कैफे में मिलते हैं और 4 बजे एक फिल्म देखते हैं। ठीक है। आपको कौन सी शर्ट ज्यादा बेहतर लगती है, सफेद या नीली? मुझे लगता है नीले रंग की अच्छी है। ये आपके ग्रे जैकेट के साथ अच्छी लगेगी। आपको ऐसा लगता है? लेकिन यह मेरी लाल टाई के साथ अच्छी नहीं लग रही, या लग रही है? हाँ वो तो है। ठीक है, तो मैं एक सफेद लूंगा ना कि नीली। आपको कौन सी शर्ट ज्यादा बेहतर लगती है, सफेद या नीली? मुझे लगता है नीले रंग की अच्छी है। ये आपके ग्रे जैकेट के साथ अच्छी लगेगी। आपको ऐसा लगता है? लेकिन यह मेरी लाल टाई के साथ अच्छी नहीं लग रही, या लग रही है? हाँ वो तो है। ठीक है, तो मैं एक सफेद लूंगा ना कि नीली। माफ कीजिए, क्या मुझे स्पेशल बर्गर सेट मिल सकता है? हाँ कृपया फ्रेंच फ्राइज या सलाद में से चुने। कृपया सलाद। ठीक है, कृपया अपना ड्रिंक चुने। कृपया कोक। माफ कीजिए, क्या मुझे स्पेशल बर्गर सेट मिल सकता है? हाँ कृपया फ्रेंच फ्राइज या सलाद में से चुने। कृपया सलाद। ठीक है, कृपया अपना ड्रिंक चुने। कृपया कोक। आज हम एक केक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मक्खन और चीनी मिला लें, फिर 2 अंडे डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आटा मिलाकर इसे हल्के से मिलाएं।
अवन में रखकर 50 मिनट के लिए पकाएं, बस। आज हम एक केक बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले मक्खन और चीनी मिला लें। फिर दो अंडे डालकर अच्छी तरह से मिलाएं। आटा मिलाकर इसे हल्के से मिलाएं। अवन में रखकर 50 मिनट के लिए पकाएं, बस। आज आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं टीवी पर एक बेसबॉल खेल देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं खरीदारी के लिए जाना चाहती हूँ। बेसबॉल का खेल 1 बजे शुरू होगा। ठीक है, तो पहले फिल्म देखते हैं और फिर आप बेसबॉल खेल देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज आप क्या करना चाहते हैं? मैं एक फिल्म देखने जाना चाहती हूँ। ठीक है, मैं टीवी पर एक बेसबॉल खेल देखना चाहता हूँ। इसके अलावा मैं खरीदारी के लिए जाना चाहती हूँ। बेसबॉल का खेल 1 बजे शुरू होगा। ठीक है, तो पहले फिल्म देखते हैं और फिर आप बेसबॉल खेल देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम शाम को शॉपिंग के लिए जाएंगे। वास्तव में मुझे आज की क्लास में सब कुछ समझ नहीं आया। जरूर, क्या आपके कोई सवाल हैं? हाँ, मेरे काफी सवाल हैं। क्या आपके पास अभी समय है? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, कृपया दोपहर में मेरे कार्यालय में आ जाना। मैं 1 बजे से 4 बजे तक वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं 2 बजे आ जाऊंगी। वास्तव में मुझे आज की क्लास में सब कुछ समझ नहीं आया। जरूर, क्या आपके कोई सवाल हैं? हाँ, मेरे काफी सवाल हैं। क्या आपके पास अभी समय है? मैं अभी थोड़ा व्यस्त हूँ, कृपया दोपहर में मेरे कार्यालय में आ जाना। मैं 1 बजे से 4 बजे तक वहीं मिलूंगा। ठीक है, मैं 2 बजे आ जाऊंगी। आप भोजन के बाद कॉफी या मिठाई लेना पसंद करेंगी? आपके पास कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? हमारे पास हलवा और एप्पल पाई है। दरअसल मैं सिर्फ एक कॉफी चाहती हूँ। क्या आप दूध और चीनी भी लेंगे? कृपया दूध के साथ। आप भोजन के बाद कॉफी या मिठाई लेना पसंद करेंगी? आपके पास कौन कौन सी मिठाइयाँ हैं? हमारे पास हलवा और एप्पल पाई है। दरअसल मैं सिर्फ एक कॉफी चाहती हूँ। क्या आप दूध और चीनी भी लेंगे? कृपया दूध के साथ। हाय, माफ करना, मैं 30 मिनट देरी से आऊंगा। ठीक है, मैं अमेरिकन कैफे में आपका इंतजार करूंगी। अमेरिकन कैफे, यह कहाँ है? ये किताबों की दुकान के बगल में है। कैफे के ठीक सामने एक बेकरी है। ठीक है। हाय, माफ करना, मैं 30 मिनट देरी से आऊंगा। ठीक है, मैं अमेरिकन कैफे में आपका इंतजार करूंगी। अमेरिकन कैफे, यह कहाँ है? ये किताबों की दुकान के बगल में है। कैफे के ठीक सामने एक बेकरी है। ठीक है। क्या आपने पहले से अपनी गर्मी की छुट्टियों की योजना बना ली है? अभी तक नहीं, मुझे लगता है मैं समुंदर या पहाड़ों पर जाना पसंद करूंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ समुंदर में जा रहा हूँ, हम सर्फिंग करेंगे। अच्छा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? ये एक अच्छा सुझाव है, मैं जरूर आना चाहूंगी। क्या आपने पहले से अपनी गर्मी की छुट्टियों की योजना बना ली है? अभी तक नहीं, मुझे लगता है मैं समुंदर या पहाड़ों पर जाना पसंद करूंगी। मैं अपने दोस्तों के साथ समुंदर में जा रहा हूँ, हम सर्फिंग करेंगे। अच्छा है। आप हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? ये एक अच्छा सुझाव है, मैं जरूर आना चाहूंगी। मुझे भूख लगी है। क्या आपने नाश्ता किया था? हाँ, मैंने किया था, लेकिन मैंने केवल थोड़ा सा ही खाया था। आपने क्या खाया था? मैंने दही और कॉफी ली थी। यह बहुत कम है, आपको ब्रेड और फल भी खाने चाहिए। मुझे भूख लगी है। क्या आपने नाश्ता किया था? हाँ, मैंने किया था, लेकिन मैंने केवल थोड़ा सा ही खाया था। आपने क्या खाया था? मैंने दही और कॉफी ली थी। यह बहुत कम है, आपको ब्रेड और फल भी खाने चाहिए। सुनिए, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं? वे 5वीं और 6ठी मंजिल पे हैं। क्या आपके पास शिशुओं के कपड़े भी हैं? हाँ जी, 6ठी मंजिल पर बहुत सारे शिशुओं के कपड़े हैं। बहुत धन्यवाद, मैं वहाँ देखने जाती हूँ।
सुनिए, बच्चों के कपड़े कहाँ हैं? वे पांचवीं और छठी मंजिल पे हैं। क्या आपके पास शिशुओं के कपड़े भी हैं? हाँ जी, छठी मंजिल पर बहुत सारे शिशुओं के कपड़े हैं। बहुत धन्यवाद, मैं वहाँ देखने जाती हूँ। आपका जन्मदिन बहुत जल्द आ रहा है। हाँ जी, परसों के दिन है। आप कितने साल के हो जाएंगे? मैं 60 साल का हो जाऊंगा। बधाई हो, हम जरूर मनाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। आपका जन्मदिन बहुत जल्द आ रहा है। हाँ जी, परसों के दिन है। आप कितने साल के हो जाएंगे? मैं 60 साल का हो जाऊंगा। बधाई हो, हम जरूर मनाएंगे। आपका बहुत धन्यवाद। नीली स्कर्ट और सफेद स्कर्ट मुझे दोनों पसंद हैं। जी, सफेद स्कर्ट ज्यादा बिक रही है। नीले रंग की थोड़ी सी महंगी है। जी, लेकिन यह आप पर बहुत जच रही है। मैं दोनों को नहीं खरीद सकती, मैं सफेद वाली खरीदूंगी। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। नीली स्कर्ट और सफेद स्कर्ट मुझे दोनों पसंद हैं। जी, सफेद स्कर्ट ज्यादा बिक रही है। नीले रंग की थोड़ी सी महंगी है। जी, लेकिन यह आप पर बहुत जच रही है। मैं दोनों को नहीं खरीद सकती, मैं सफेद वाली खरीदूंगी। ठीक है, आपका बहुत धन्यवाद। पार्टी कल है। पार्टी में कौन कौन आ रहा है? हम दो, मेरे दो दोस्त और अध्यापक। पांच लोग होते हैं। ओह, अध्यापक अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। ठीक है। पार्टी कल है। पार्टी में कौन कौन आ रहा है? हम दो, मेरे दो दोस्त और अध्यापक। पांच लोग होते हैं। ओह, अध्यापक अपनी पत्नी के साथ आ रहे हैं। ठीक है। यह बिस्तर बड़ा है। हाँ, मैं इसे दरवाजे के पास नहीं रख सकती। चलो इसे कमरे की दूसरी तरफ रखते हैं। हम इसे बीच में रखें? नहीं, आओ इसे कोने में रख देते हैं। ठीक है, क्या इसे उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? यह बिस्तर बड़ा है। हाँ, मैं इसे दरवाजे के पास नहीं रख सकती। चलो इसे कमरे की दूसरी तरफ रखते हैं। हम इसे बीच में रखें? नहीं, आओ इसे कोने में रख देते हैं। ठीक है, क्या इसे उठाने में तुम मेरी मदद करोगे? Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है। अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला। मैं कुछ ज्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ। यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है। वह बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं पहले वाला लूंगा। हाँ जरूर, ये लीजिए। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए एक तोहफा ढूंढ रहा हूँ। आप कुछ अच्छा दिखाएंगी? अच्छा, तो ये हार कैसा रहेगा? यह थोड़ा लंबा लगता है। अच्छा, तो फिर ये वाले कैसे रहेंगे? एक फूल के लॉकेट वाला है यहाँ और एक दिल के लॉकेट वाला। मैं कुछ ज्यादा अच्छा ढूंढ रहा हूँ। यह मोती का हार कितने का है? ये 3 लाख रुपयों का है। वह बहुत ज्यादा है। ठीक है, मैं पहले वाला लूंगा। हाँ जरूर, ये लीजिए। नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है वहीं रखना चाहिए। लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है, हम उसे रखने वाले हैं। अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते। हाँ, काश वह रख पाते। नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ एक ही रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए। हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा। नया प्रिंटर कहाँ रखें? मुझे लगता है जहाँ पुराना वाला रखा है वहीं रखना चाहिए। लेकिन पुराना वाला तो अभी भी चल रहा है, हम उसे रखने वाले हैं। अच्छा, तब नया वाला वहाँ नहीं रख सकते। हाँ, काश वह रख पाते। नया प्रिंटर दरवाजे के बिल्कुल पास के शेल्फ पर सही रहता, लेकिन वहाँ सिर्फ
एक ही रख सकते हैं। अच्छा, तो फिर मुझे लगता है हमें कमरे की दूसरे तरफ रखना चाहिए। हाँ, खिड़की के बगल में कैसा होगा? हाँ, वो ठीक रहेगा। हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए। दूध और डबल रोटी, ठीक है। कितने पैकेट दूध? एक काफी है। ठीक है, और कुछ? एक मिनट, देखने दो, मक्खन है कि नहीं। हाँ है। अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, एक बोतल है। अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ही। हेलो, मैं अभी घर आ रहा हूँ। अच्छा, आते वक्त कुछ ले सकोगे? ठीक है, क्या लेना है? कल के सुबह के नाश्ते के लिए दूध और डबल रोटी चाहिए। दूध और डबल रोटी, ठीक है। कितने पैकेट दूध? एक काफी है। ठीक है, और कुछ? एक मिनट, देखने दो, मक्खन है कि नहीं। हाँ है। अच्छा, और बियर है घर पे? हाँ, एक बोतल है। अच्छा, तो फिर अभी खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बस इतना ही। सुबह में धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी। बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी। सुबह में धूप रहेगी, लेकिन दोपहर के समय बादलों के छाने की संभावना है और रात से बारिश भी शुरू होगी। बारिश फिर लगातार कल सवेरे तक चालू रहेगी, जिसके बाद से फिर सूरज निकल आएगी। हमारे पास यह कुछ नए डिज़ाइन हैं कंपनी के बिजनेस कार्ड के लिए। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ज़रा देख लें। मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये वाले? हाँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है। इनमें से एक में तस्वीर की जगह है, इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं। हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं। हमारे पास यह कुछ नए डिज़ाइन हैं कंपनी के बिजनेस कार्ड के लिए। आपको कौन सा सबसे अच्छा लगता है? ज़रा देख लें। मुझे लगता है कंपनी का नाम और बड़ा होना चाहिए। अच्छा, तो ये वाले? हाँ, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, क्योंकि कंपनी का नाम बड़ा है और सबसे ऊपर में है। इनमें से एक में तस्वीर की जगह है, इसके बारे में क्या लगता है? उससे अक्षर बहुत छोटे हो रहे हैं। हाँ, अक्षर पढ़ने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। ठीक है, तो फिर दूसरे वाले को रखते हैं। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं अगर यहाँ कोई नज़दीक में बस स्टॉप है? हाँ, पहले सीधे जाओ, फिर दूसरी लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाना, फिर कोने पे किताबों की दुकान से बाईं ओर मुड़ जाना और आपको एक बैंक नजर आएगा। बस स्टॉप बैंक के बिल्कुल सामने है। समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए, क्या आप जानते हैं अगर यहाँ कोई नज़दीक में बस स्टॉप है? हाँ, पहले सीधे जाओ, फिर दूसरी लाल बत्ती से दाएं मुड़ जाना, फिर कोने पे किताबों की दुकान से बाईं ओर मुड़ जाना और आपको एक बैंक नजर आएगा। बस स्टॉप बैंक के बिल्कुल सामने है। समझ गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस दोपहर को हमारी न्यूयॉर्क ऑफिस के माइकल के साथ मीटिंग है। क्या तुम्हें मालूम है कि कोई ड्रिंक्स बची हुई हैं या नहीं? हमारे पास कुछ कॉफी है। माइकल कॉफी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई पानी की बोतलें हैं? हाँ, मुझे लगता है अभी कुछ बची हुई है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको कुछ चाहिए? मैं भी वही लूंगा। इस दोपहर को हमारी न्यूयॉर्क ऑफिस के माइकल के साथ मीटिंग है। क्या तुम्हें मालूम है कि कोई ड्रिंक्स बची हुई हैं या नहीं? हमारे पास कुछ कॉफी है। माइकल कॉफी नहीं पीता। क्या हमारे पास कोई पानी की बोतलें हैं? हाँ, मुझे लगता है अभी कुछ बची हुई है। बढ़िया, बहुत अच्छे। आपको कुछ चाहिए? मैं भी वही लूंगा। माफ कीजिए, मैं एक बेहद हल्का कंप्यूटर तलाश रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? ये बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है,
क्या इस कंप्यूटर पे डीवीडी देख सकते हैं? नहीं, अफसोस, वह नहीं कर सकते, लेकिन उस वाले पर आप डीवीडी देख सकती हैं। ये बहुत भारी है, मैं पहले वाला ही खरीदूंगी। धन्यवाद, आप सफेद, काले और चांदी रंग में से चुन सकती हैं। मुझे काला वाला चाहिए। माफ कीजिए, मैं एक बेहद हल्का कंप्यूटर तलाश रही हूँ। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? यह बहुत पतला और हल्का है। ये अच्छा लग रहा है, क्या इस कंप्यूटर पे डीवीडी देख सकते हैं? नहीं, अफसोस, वह नहीं कर सकते, लेकिन उस वाले पर आप डीवीडी देख सकती हैं। ये बहुत भारी है, मैं पहले वाला ही खरीदूंगी। धन्यवाद, आप सफेद, काले और चांदी रंग में से चुन सकती हैं। मुझे काला वाला चाहिए। तुम अगले हफ्ते एक ट्रिप पर जा रहे हो, है ना? हाँ, मैं मंगलवार को हांगकांग जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रात के लिए रुकूंगा। उसके बाद तुम ताइपे जा रहे हो? हाँ, मैं गुरुवार को ताइपे जा रहा हूँ और 1 रात वहाँ रुकूंगा और उसके बाद घर वापस आऊंगा। तो तुम शनिवार को मीटिंग में आ सकोगे, है ना? हाँ, मैं आ सकता हूँ। तुम अगले हफ्ते एक ट्रिप पर जा रहे हो, है ना? हाँ, मैं मंगलवार को हांगकांग जा रहा हूँ। मैं वहाँ 2 रात के लिए रुकूंगा। उसके बाद तुम ताइपे जा रहे हो? हाँ, मैं गुरुवार को ताइपे जा रहा हूँ और 1 रात वहाँ रुकूंगा और उसके बाद घर वापस आऊंगा। तो तुम शनिवार को मीटिंग में आ सकोगे, है ना? हाँ, मैं आ सकता हूँ। कॉल करने के लिए धन्यवाद, यह पिज्जा स्टेशन है। हाय, क्या मुझे लहसुन टमाटर वाला पिज्जा मिल सकता है? एक लहसुन टमाटर वाला पिज्जा, ठीक है, किस साइज का? कृपया बड़े साइज वाला और कृपया उसे 8 टुकड़ों में काटना। जरूर, आप कुछ और लेंगे? हाँ, 4 ब्रेडस्टिक और 2 कोक के कैन भी लूंगा। ठीक है, हम ये लगभग 40 मिनट में पहुँचा देंगे। कॉल करने के लिए धन्यवाद, यह पिज्जा स्टेशन है। हाय, क्या मुझे लहसुन टमाटर वाला पिज्जा मिल सकता है? एक लहसुन टमाटर वाला पिज्जा, ठीक है, किस साइज का? कृपया बड़े साइज वाला और कृपया उसे 8 टुकड़ों में काटना। जरूर, आप कुछ और लेंगे? हाँ, 4 ब्रेडस्टिक और 2 कोक के कैन भी लूंगा। ठीक है, हम ये लगभग 40 मिनट में पहुँचा देंगे। मुझे माफ कीजिए, आप कितने बजे तक खुले हैं? हम 11 बजे तक खुले हैं, लेकिन आखिरी ऑर्डर 10 बजे होता है। ओह अच्छा, मुझे लगा आपने पहले से ही बंद कर दिया है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हम 10 बजे बंद करते थे, लेकिन हमने समय बढ़ा दिया है। ओह, मैं समझ गया। लेकिन रविवार को रेस्तरां हम 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। मुझे माफ कीजिए, आप कितने बजे तक खुले हैं? हम 11 बजे तक खुले हैं, लेकिन आखिरी ऑर्डर 10 बजे होता है। ओह अच्छा, मुझे लगा आपने पहले से ही बंद कर दिया है, क्योंकि काफी देर हो चुकी है। हम 10 बजे बंद करते थे, लेकिन हमने समय बढ़ा दिया है। ओह, मैं समझ गया। लेकिन रविवार को रेस्तरां हम 9 बजे बंद कर देते हैं। ठीक है, समझ गया। आप इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यह अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे ऑर्डर करेंगे? हाँ जी, डिलीवर होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। हमें स्पष्ट रूप से तारीख बतानी होगी। अगले शनिवार के बारे में क्या ख्याल है? हम शनिवार को सुबह जल्दी टेनिस खेलने जा रहे हैं। ठीक है, फिर रविवार को बेहतर है। ठीक है, वैसा करते हैं। और शुक्रवार को जल्दी घर आना मत भूल जाना, क्योंकि शनिवार को हमें जल्दी निकलना है। हाँ, मुझे पता है। आप इस वैक्यूम क्लीनर के बारे में क्या सोचते हो? मुझे यह अच्छा लग रहा है, क्या आप इसे ऑर्डर करेंगे? हाँ जी, डिलीवर होने में 3 से 4 दिन लगेंगे। हमें स्पष्ट रूप से तारीख बतानी होगी। अगले शनिवार के बारे में क्या ख्याल है? हम शनिवार को सुबह जल्दी टेनिस खेलने जा रहे हैं। ठीक है, फिर रविवार को बेहतर है। ठीक है, वैसा करते हैं। और शुक्रवार को जल्दी घर आना मत भूल जाना, क्योंकि शनिवार को हमें जल्दी निकलना है। हाँ, मुझे पता है।
ठीक है, मैं आपको 3 तरह की दवाइयाँ दूंगा, कृपया रोजाना रात को खाने के बाद ले लेना। ठीक है। आपको गोल आकार की 2 गोलियाँ, 1 कैप्सूल और 1 डोज चूर्ण वाली दवाई की एक बार में लेनी है। ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाई दूंगा, आपको 3 दिन बाद बेहतर ना महसूस हो तो कृपया फिर से आ जाइएगा। जी, बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको 3 तरह की दवाइयाँ दूंगा, कृपया रोजाना रात को खाने के बाद ले लेना। ठीक है। आपको गोल आकार की 2 गोलियाँ, 1 कैप्सूल और 1 डोज चूर्ण वाली दवाई की एक बार में लेनी है। ठीक है। मैं आपको 3 दिन की दवाई दूंगा, आपको 3 दिन बाद बेहतर ना महसूस हो तो कृपया फिर से आ जाइएगा। जी, बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मैं तुम्हारे परिवार से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। ठीक है, मेरे पिता एक कार्यालय में काम करते हैं और उन्हें मछली पकड़ने का शौक है। मेरी माँ एक गृहिणी है और वह खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन है? हाँ, मेरी एक दीदी और एक छोटा भाई है। मेरी दीदी शादीशुदा है और वह विदेश में रहती है। मेरा भाई हाई स्कूल का विद्यार्थी है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। तुम कभी मेरे घर क्यों नहीं आ जाते? शुक्रिया, लेकिन मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। मैं तुम्हारे परिवार से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ जानना चाहूंगी। ठीक है, मेरे पिता एक कार्यालय में काम करते हैं और उन्हें मछली पकड़ने का शौक है। मेरी माँ एक गृहिणी है और वह खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। क्या तुम्हारे कोई भाई या बहन है? हाँ, मेरी एक दीदी और एक छोटा भाई है। मेरी दीदी शादीशुदा है और वह विदेश में रहती है। मेरा भाई हाई स्कूल का विद्यार्थी है। तुम्हारा परिवार अच्छा है, मैं उनसे जरूर मिलना चाहूंगी। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप मेरी आज की नियुक्ति को कैंसिल कर देंगे? जरूर, क्या आप इसे किसी दूसरे दिन रखना चाहेंगे? हाँ जी, इस शनिवार को कैसा रहेगा? मैं सुबह में पसंद करूंगा। अफसोस, इस शनिवार को हम पूरी तरह से बुक्ड हैं, लेकिन हम अगले शनिवार को रख सकते हैं। वह आज से काफी दूर है, गुरुवार को देर दोपहर में कैसा रहेगा? जी, 5 और 6 बजे खाली है। ठीक है, कृपया 6 बजे बुक कर दें। जी, बहुत अच्छा। माफ कीजिए, लेकिन क्या आप मेरी आज की नियुक्ति को कैंसिल कर देंगे? जरूर, क्या आप इसे किसी दूसरे दिन रखना चाहेंगे? हाँ जी, इस शनिवार को कैसा रहेगा? मैं सुबह में पसंद करूंगा। अफसोस, इस शनिवार को हम पूरी तरह से बुक्ड हैं, लेकिन हम अगले शनिवार को रख सकते हैं। वह आज से काफी दूर है, गुरुवार को देर दोपहर में कैसा रहेगा? जी, 5 और 6 बजे खाली है। ठीक है, कृपया 6 बजे बुक कर दें। जी, बहुत अच्छा। मैं रविवार की पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी, कृपया 12 बजे आ जाना। हाँ, तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर 1018 है ना? हाँ, वही है। मेरे अपार्टमेंट में 2 इमारतें हैं, पूर्व और पश्चिम। मेरा फ्लैट पूर्व की इमारत में 1018 है। ठीक है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। मैं रविवार की पार्टी का इंतजार कर रही हूँ। मैं भी, कृपया 12 बजे आ जाना। हाँ, तुम्हारे अपार्टमेंट का नंबर 1018 है ना? हाँ, वही है। मेरे अपार्टमेंट में 2 इमारतें हैं, पूर्व और पश्चिम। मेरा फ्लैट पूर्व की इमारत में 1018 है। ठीक है। तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, शुक्रिया। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया, मैं यह DVD उधार लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 3। अगर आप 5 लेते हैं तो आपको छूट मिलेगी। अच्छा, लेकिन मेरे पास इतनी सारी DVD देखने का समय नहीं है, तो मैं सिर्फ 3 ही लूंगा। अभी हम एक विशेष छूट दे रहे हैं, तो आप उन्हें 1 हफ्ता ज्यादा रख सकते हैं। ओह, सच में? ठीक है, तो मुझे 2 और ले लेने दो। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कृपया, मैं यह DVD उधार लेना चाहता हूँ। कुल मिलाकर 3। अगर आप 5 लेते हैं तो आपको छूट मिलेगी। अच्छा,
लेकिन मेरे पास इतनी सारी डीवीडी देखने का समय नहीं है, तो मैं सिर्फ 3 ही लूंगा। अभी हम एक विशेष छूट दे रहे हैं, तो आप उन्हें 1 हफ्ता ज्यादा रख सकते हैं। ओह सच में? ठीक है, तो मुझे 2 और ले लेने दो। तुम्हें समय पता है? नहीं, माफ करना, आज मैं अपनी घड़ी भूल गई। अच्छा, मुझे चिंता है कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओह, स्टेशन के प्रवेश में एक घड़ी है। अच्छा, ओहो, ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। ये 10 बजे की ट्रेन है ना? हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। तुम्हें समय पता है? नहीं, माफ करना, आज मैं अपनी घड़ी भूल गई। अच्छा, मुझे चिंता है कि हम ट्रेन पकड़ पाएंगे कि नहीं। ओह, स्टेशन के प्रवेश में एक घड़ी है। अच्छा, ओहो, ट्रेन 5 मिनट में आ रही है। ये 10 बजे की ट्रेन है ना? हाँ, हमें जल्दी करना चाहिए। क्या कल रात के विमान में कोई सीटें खाली हैं? जी, 1 मिनट। क्या आप इकोनॉमी क्लास चाहते हैं? हाँ जी। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारे पास कुछ सीटें अभी भी है। अच्छा, मैं एक गलियारे वाली सीट चाहूंगा। माफ कीजिए, सभी गलियारे वाली सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं बीच में नहीं बैठना चाहता। तो फिर आप एक खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे? हाँ जी। क्या कल रात के विमान में कोई सीटें खाली हैं? जी, 1 मिनट। क्या आप इकोनॉमी क्लास चाहते हैं? हाँ जी। प्रतीक्षा के लिए धन्यवाद। हाँ, हमारे पास कुछ सीटें अभी भी है। अच्छा, मैं एक गलियारे वाली सीट चाहूंगा। माफ कीजिए, सभी गलियारे वाली सीटें भर चुकी हैं। ठीक है, लेकिन मैं बीच में नहीं बैठना चाहता। तो फिर आप एक खिड़की वाली सीट लेना पसंद करेंगे? हाँ जी। Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at hindipod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है, यह जाकर देख आए। 1 मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है, कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। 1 मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीजें सही है ना, अलमारी भी काफी बड़ी है, ये देखने चलते हैं। ठीक है। एक पति पत्नी घरों के डिजाइन देख रहे हैं। वो कौन सा फ्लैट देखेंगे? ये वाला कैसा होगा? इसमें एक बड़ा सा बैठक कमरा है। हाँ, बड़ा बैठक कमरा अच्छा है, लेकिन मुझे पार्किंग की जगह चाहिए। अच्छा, देखने दो। ये वाला कैसा रहेगा? हाँ, यह अच्छा है, यह जाकर देख आए। 1 मिनट, इसकी अलमारी कुछ छोटी नहीं है? हाँ, वो तो है, कोई भी तो बिल्कुल सही नहीं लगता। 1 मिनट, यह वाला कैसा है? हाँ, इसमें सारी चीजें सही है ना, अलमारी भी काफी बड़ी है, ये देखने चलते हैं। ठीक है। नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए, आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में। कौन सी साइड में? थोड़ा बाएं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। एक महिला अपने हेयर स्टाइलिस्ट से बात कर रही है। वह अपने बाल को किस तरह से बदलना चाहेगी? नमस्ते। नमस्ते, मेरा यहाँ 3 बजे का अपॉइंटमेंट है रिची के नाम से। हाँ जी रिची जी, इस तरफ आइए, आप क्या करवाना चाहेंगे? मैं बालों का स्टाइल थोड़ा बदलना चाहती हूँ। जी, आप कितने लंबे रखना चाहती हैं? कंधों तक। अच्छा, और आपके सामने के बैग्स का क्या करेंगी? उनको रहने दीजिए। बीच में मांग या बगल में? थोड़ी सी साइड में।
कौन सी साइड में? थोड़ा बाईं तरफ। अच्छा, पहले शैम्पू करेंगे तो आप इस तरफ आइए। यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ, इस तरह के डिजाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिजाइन थोड़ा सादा है तो ज्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूंगी। एक महिला एक लिबास पहनकर देख रही है और दुकानदार से बात कर रही है। वह कौन सा पोशाक खरीदेगी? यह आप पे बहुत जच रहा है और फिटिंग भी बिल्कुल सही है। हाँ, साइज तो सही है, लेकिन मैं ज्यादातर सादे कपड़े पहनती हूँ, इस तरह के डिजाइन नहीं पहना करती। मुझे लगता है आप इसमें बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा, फिर भी पहनने के लिए काफी साहस लगेगा। तो फिर यह वाला कैसा है? यह डिजाइन थोड़ा सादा है तो ज्यादा भड़कीला नहीं लगेगा। हाँ, मैं ये पहनकर देखती हूँ। जी देख लीजिए, कैसा लग रहा है मैडम? ये मुझे पहले वाले से ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा ही लंबे आस्तीन वाला है क्या? हाँ जी है। शुक्रिया, मैं वो वाला खरीदना चाहूंगी। हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है, लेकिन आपके मेज पे दो नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है, हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश, कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले, तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है, और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर, एक कंपनी का प्रेसिडेंट और उसकी सेक्रेटरी फोन पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी सेल्स डिपार्टमेंट में कौन सा डॉक्यूमेंट डिलीवर करेगी? हाय, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? मेरी मेज पे एक डॉक्यूमेंट है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे सेल्स डिपार्टमेंट में डिलीवर कर दो। बिल्कुल, कौन सा डॉक्यूमेंट है? मुझे लगता है वह नीले लिफाफे में है। नीला लिफाफा, ठीक है, लेकिन आपके मेज पे दो नीले लिफाफे हैं। ठीक, एक लिफाफे की ऊपरी दाहिनी तरफ लाल सील है, हरी सील वाला लिफाफा हम नई भर्तियों का अनुस्थापन करते वक्त देते हैं। लाल सील वाला, ठीक है। शाबाश, कृपया इसे दोपहर 1 बजे तक सेल्स डिपार्टमेंट भिजवा दो और कोशिश करना सीधा मैनेजर को ही मिले, तुम उसे जानती हो, ठीक? हाँ, मैं उससे काफी बार मिली हूँ और बात की है। ठीक है, और क्या तुम दूसरा लिफाफा HR डिपार्टमेंट को डिलीवर कर दोगी? जी सर। हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया? क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं 4 लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ, कृपया कुछ देर के लिए इंतजार करें। बहुत धन्यवाद। एक औरत फोन पे एक रेस्टोरेंट स्टाफ से बात कर रही है। वह कौन सी टेबल पे दोपहर का खाना खा रही थी?
हेलो, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कुछ देर पहले मैंने आपके रेस्टोरेंट में दोपहर का खाना खाया था और मुझे लगता है कि मैं अपना स्कार्फ वहीं छोड़ आई। आपने अपना स्कार्फ मेज पे छोड़ दिया? क्या आपको याद है आप कहाँ बैठी थी? मैं जाके देखता हूँ। रेस्टोरेंट में पीछे वाली टेबल पे। क्या आप धूम्रपान वाले स्थान में थी या धूम्रपान वर्जित स्थान में? धूम्रपान वर्जित स्थान में। क्या आप टेबल पे बैठी थी या काउंटर पे? मैं चार लोगों के लिए बनी टेबल पे बैठी थी। ठीक है, मैं देखने जाता हूँ, कृपया कुछ देर के लिए इंतजार करें। बहुत धन्यवाद। माफ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें दो कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें दो कमरे और एक बैठक का कमरा है लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है तो ये वाला काफी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं जिसमें दो बड़े कमरे हैं लेकिन वो स्टेशन से काफी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद, मैं दूसरे वाला देखना चाहूंगा जो आपने दिखाया था। एक आदमी एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा है, वो कौन सा अपार्टमेंट चुनेगा? माफ कीजिए, मैं इस इलाके में एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा हूँ, क्या आप मुझे कोई फ्लोर प्लान दिखा सकते हैं? बिल्कुल, क्या ये एक आदमी के लिए है? नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ रहूंगा। मुझे एक बैठक का कमरा, शयन कक्ष और एक पढ़ाई के लिए कमरा चाहिए। ठीक है, इसके बारे में क्या ख्याल है? इसमें दो कमरे हैं, साथ में एक बैठक का कमरा है। यह कुछ शोरगुल हो सकता है क्योंकि यह एक बहुत बड़े रोड के पास है। ठीक है, मैं अक्सर घर पे काम करता हूँ तो मुझे एक शांत जगह चाहिए और मैं बैठक का कमरा चकोर चाहता हूँ। ठीक है, ये कैसा रहेगा? ये स्टेशन से कुछ दूरी पे है लेकिन शांत आवासीय क्षेत्र में है। इसमें दो कमरे और एक बैठक का कमरा है लेकिन एक कमरा थोड़ा सा छोटा है। हमारे पास ज्यादा सामान नहीं है तो ये वाला काफी रहेगा। हम आपको एक दूसरा अपार्टमेंट दिखा देते हैं जिसमें दो बड़े कमरे हैं लेकिन वो स्टेशन से काफी दूर है। नहीं, आपका धन्यवाद, मैं दूसरे वाला देखना चाहूंगा जो आपने दिखाया था। नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल, हमारे पास गोल व चकोर केक है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगी? कृपया एक गोल वाला। ठीक है, आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है, फिर हम 12 मोमबत्तियां तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें। ठीक है, क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ तो हम केक को सफेद प्लेट पे रखेंगे, नहीं तो हम सफेद रंग में लिख कर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफेद प्लेट पे रखें। एक औरत एक बर्थडे केक ऑर्डर कर रही है, वह कौन सा केक ऑर्डर करेगी? नमस्ते, मैं अपने बेटी के लिए बर्थडे केक ऑर्डर करना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आप किस तरह का केक खरीदना पसंद करेंगी? मेरी बेटी को चॉकलेट पसंद है तो मुझे लगता है चॉकलेट केक सही रहेगा। क्या आप उस पर स्ट्रॉबेरी लगा देंगे? बिल्कुल, हमारे पास गोल व चकोर केक है, आप कौन सा लेना पसंद करेंगी?
कृपया एक गोल वाला। ठीक है, आपकी बेटी कितने साल की हो जाएगी? वह 12 साल की हो जाएगी। ठीक है, फिर हम 12 मोमबत्तियां तैयार रखेंगे। आप कोई मैसेज लिखना चाहेंगी? हाँ जी, कृपया हैप्पी बर्थडे लिखें। ठीक है, क्या आप चाहती हैं वो गुलाबी रंग में लिखा हो? यदि हाँ तो हम केक को सफेद प्लेट पे रखेंगे, नहीं तो हम सफेद रंग में लिखकर केक को गुलाबी प्लेट पे रखेंगे। कृपया उसे गुलाबी रंग में लिखकर सफेद प्लेट पे रखें। मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ, यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम एक महीना पहले बुकिंग करो तो। एक महीने पहले? इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस? ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्ताहांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ, ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं, तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। एक आदमी और एक औरत घर बदलने के बारे में बात कर रहे हैं। वो घर कब बदलेंगे? मुझे लगता है हमें घर बदलने की तारीख सोचकर फिर घर बदलने वाली कंपनी को कॉल करना चाहिए। हाँ, मैं कुछ घर बदलने वाली कंपनियों को देख रहा था। मैं ज्यादा पैसे नहीं देना चाहती। मैं सहमत हूँ, यह कंपनी कुछ छूट देती है, जैसे 10% अगर तुम एक महीना पहले बुकिंग करो तो। एक महीने पहले? इस प्रकार से वो छूट लेने के लिए हमें 15 दिसंबर के बाद ही घर बदलना होगा। हाँ, और अगर हम कार्य दिवस में बुकिंग करते हैं तो अतिरिक्त छूट मिलेगी। कार्य दिवस? ठीक है, सोमवार को मेरी एक मीटिंग है और मंगलवार और बुधवार को प्रदर्शनी है, तो शुक्रवार सही रहेगा, क्योंकि सप्ताहांत में हम घर में चीजें लगा लेंगे। हाँ, ओ रुको, वो बोल रहे हैं 15% छूट सोमवार से वीरवार तक और 5% शुक्रवार को। ओह, तुम क्या करना चाहती हो? चलो, जितना सस्ता हो सकता है उतना लेते हैं, तब तक मैं भी प्रदर्शनी से फ्री हो जाऊंगी। माफ कीजिए, क्या यह कमीज 3 के सेट में ही उपलब्ध है? हम हर कमीज अलग से भी बेचते हैं, लेकिन हर अलग कमीज का दाम ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक जैसी 3 कमीज नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप ये 3 टाई का सेट भी खरीदते हैं तो हम आपको कमीज पे छूट दे सकते हैं, जिससे 3 कमीजों की कीमत 1 के बराबर होगी। अच्छा, तो 3 टाई का सेट और 3 कमीजों का सेट 1 की कीमत में मिलेगा? जी हाँ। ठीक है, मैं बाकी 2 कमीज किसी और को दे दूंगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बचत है। एक आदमी सेल के दौरान खरीदारी कर रहा है, वह क्या और कितना खरीदेगा? माफ कीजिए, क्या यह कमीज 3 के सेट में ही उपलब्ध है? हम हर कमीज अलग से भी बेचते हैं, लेकिन हर अलग कमीज का दाम ज्यादा महंगा पड़ेगा। ठीक है, मुझे एक जैसी 3 कमीज नहीं चाहिए, तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर आप ये 3 टाई का सेट भी खरीदते हैं तो हम आपको कमीज पे छूट दे सकते हैं, जिससे 3 कमीजों की कीमत 1 के बराबर होगी। अच्छा, तो 3 टाई का सेट और 3 कमीजों का सेट 1 की कीमत में मिलेगा? जी हाँ। ठीक है, मैं बाकी 2 कमीज किसी और को दे दूंगा। ठीक है सर, ये बहुत बड़ी बचत है। हमने पिछले महीने जो महिलाओं के बैग प्रचलित किए थे, ये उनके बारे में रिपोर्ट है। सबसे पहले रंग की बात करें तो काले रंग का बैग सबसे ज्यादा बिका, और उसके बाद सफ़ेद और आसमानी नीले रंग के बैग। पीले बैग ज्यादा नहीं बिके। पीले रंग के अच्छे नहीं बिके, और आकार के आधार पे?
बड़े बैग छोटे बैगों की तुलना में ज्यादा बिके। वैसे माप के बैग जिनमें A4 साइज के किताब पत्रिका वगैरह डाल सकें ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है। हैंडल की बात करें तो चेन की तुलना में चमड़े के हैंडल वाले बैग ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बैग फॉर्मल अंदाज के साथ सही लगते हैं वो बैग ज्यादा बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने नए सेट में बेज या भूरे रंग जैसे सादे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर बेज को अगला नया रंग बनाते हैं। आप पीले रंग के बैगों का उत्पादन बंद कर सकते हैं। ठीक है। एक महिला बैगों की बिक्री के बारे में रिपोर्ट कर रही है। कौन सा बैग सबसे ज्यादा बिका? हमने पिछले महीने जो महिलाओं के बैग प्रचलित किए थे ये उनके बारे में रिपोर्ट है। सबसे पहले रंग की बात करें तो काले रंग का बैग सबसे ज्यादा बिका, और उसके बाद सफ़ेद और आसमानी नीले रंग के बैग। पीले बैग ज्यादा नहीं बिके। पीले रंग के अच्छे नहीं बिके, और आकार के आधार पे? बड़े बैग छोटे बैगों की तुलना में ज्यादा बिके। वैसे माप के बैग जिनमें A4 साइज के किताब पत्रिका वगैरह डाल सकें ज्यादा लोकप्रिय थी। ठीक है। हैंडल की बात करें तो चेन की तुलना में चमड़े के हैंडल वाले बैग ज्यादा लोकप्रिय थे। ठीक है, ऐसा लगता है कि जो बैग फॉर्मल अंदाज के साथ सही लगते हैं वो बैग ज्यादा बिक रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपने नए सेट में बेज या भूरे रंग जैसे सादे रंगों का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, फिर बेज को अगला नया रंग बनाते हैं। आप पीले रंग के बैगों का उत्पादन बंद कर सकते हैं। ठीक है। हेलो, क्या मैं स्वास्थ्य जांच के लिए बुकिंग कर सकता हूँ? जरूर, स्वास्थ्य जांच सामान्य परीक्षाओं से अलग सिर्फ सोमवार, बुधवार और शनिवार को उपलब्ध है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? क्या इस शनिवार को उपलब्ध है? जी हाँ, हम शनिवार को सुबह में ही खुले रहते हैं। क्या वह ठीक है? सिर्फ सुबह? वह थोड़ा मुश्किल है। आप सप्ताह के बाकी दिनों में कब तक खुले रहते हैं? हम सोमवार को शाम के 6 बजे तक और बुधवार को 8 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे खोलते हैं? हम सुबह 8 बजे से खोलते हैं। अगले सप्ताह के सुबह पूरी तरह से आरक्षित हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद के हफ्ते तक इंतज़ार कर लें तो सोमवार और बुधवार दोनों सुबह के 8 बजे से खुले होंगे। ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम जांच करके आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है सर। एक आदमी हॉस्पिटल कॉल कर रहा है। स्वास्थ्य जांच हॉस्पिटल में कब उपलब्ध होंगी? हेलो, क्या मैं स्वास्थ्य जांच के लिए बुकिंग कर सकता हूँ? जरूर, स्वास्थ्य जांच सामान्य परीक्षाओं से अलग सिर्फ सोमवार, बुधवार और शनिवार को उपलब्ध है। आप कौन सा दिन पसंद करेंगे? क्या इस शनिवार को उपलब्ध है? जी हाँ, हम शनिवार को सुबह में ही खुले रहते हैं। क्या वह ठीक है? सिर्फ सुबह? वह थोड़ा मुश्किल है। आप सप्ताह के बाकी दिनों में कब तक खुले रहते हैं? हम सोमवार को शाम के 6 बजे तक और बुधवार को 8 बजे तक खुले रहते हैं। अच्छा, आप सुबह कितने बजे खोलते हैं? हम सुबह 8 बजे से खोलते हैं। अगले सप्ताह के सुबह पूरी तरह से आरक्षित हैं, लेकिन अगर आप उसके बाद के हफ्ते तक इंतज़ार कर लें तो सोमवार और बुधवार दोनों सुबह के 8 बजे से खुले होंगे। ठीक है, मैं अपना कार्यक्रम जांच करके आपको दोबारा कॉल करता हूँ। ठीक है सर। परेशानी के लिए माफ़ करना, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को लेने जा सकोगे? जरूर, क्या वह मुझे पहचानती है? हाँ, उसने तुम्हें तस्वीरों में देखा है तो उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिए। ठीक है, वह कैसी दिखती है? उसके काले और घुंघराले बाल है, वो पतली और बाकियों से लंबी है। ठीक है, और कुछ? वह कह रही थी कि जो टोपी मैंने पहले उसे लाकर दी थी वह उसे पहनेगी। वह टोपी सफ़ेद है और उस पर एक काला रिबन लगा है। पहचानने में आसान लगता है। ठीक है, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। धन्यवाद।
एक आदमी अपनी महिला दोस्त की बेटी को लेने जा रहा है। उनकी बेटी कौन सी है? परेशानी के लिए माफ करना, लेकिन क्या तुम मेरी बेटी को लेने जा सकोगे? जरूर, क्या वह मुझे पहचानती है? हाँ, उसने तुम्हें तस्वीरों में देखा है, तो उसे तुम्हें पहचान लेना चाहिए। ठीक है, वह कैसी दिखती है? उसके काले और घुंघराले बाल है, वो पतली और बाकियों से लंबी है। ठीक है, और कुछ? वह कह रही थी कि जो टोपी मैंने पहले उसे लाकर दी थी, वह उसे पहनेगी। वह टोपी सफ़ेद है और उस पर एक काला रिबन लगा है। पहचानने में आसान लगता है। ठीक है, मैं अभी उसे लेने जाता हूँ। धन्यवाद। अरे नहीं, मुझे अपना बटुआ नहीं मिल रहा। मैं कहीं छोड़ आया होऊंगा। क्या? क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये याद करते हैं कि आज तुम कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया। उसके बाद हम एक कैफे गए, लेकिन वहाँ मेरे दोस्त ने मेरे लिए पैसे दिए थे, तो मैंने अपने बटुए को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि फिल्म टिकट खरीदते वक्त तुमने इस्तेमाल किया था कि नहीं? हाँ, और फिर हम जिम गए थे, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वह मेरे पास नहीं था। क्या तुमने जिम में बटुए का इस्तेमाल किया था? नहीं, क्योंकि मेंबरशिप शुल्क हर महीने मेरे बैंक खाते से अपने आप ही भुगतान होता है। ओह, याद आया, मैंने वेंडिंग मशीन से जूस खरीदा था। ठीक है, फिर वहां चलकर ढूंढते हैं। एक आदमी अपने बटुए के बारे में एक औरत से बात कर रहा है। वह अपना बटुआ कहाँ ढूंढने जा रहा है? अरे नहीं, मुझे अपना बटुआ नहीं मिल रहा। मैं कहीं छोड़ आया होऊंगा। क्या? क्या तुम्हें याद है कि तुमने आखिरी बार कब इस्तेमाल किया था? नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, तो ये याद करते हैं कि आज तुम कहाँ कहाँ गए थे। ठीक है, सबसे पहले मैं अपने दोस्त के साथ फिल्म देखने गया। उसके बाद हम एक कैफे गए, लेकिन वहां मेरे दोस्त ने मेरे लिए पैसे दिए थे, तो मैंने अपने बटुए को नहीं छुआ। लेकिन क्या तुम्हें याद है कि फिल्म टिकट खरीदते वक्त तुमने इस्तेमाल किया था कि नहीं? हाँ, और फिर हम जिम गए थे, उसके बाद मुझे ध्यान आया कि वह मेरे पास नहीं था। क्या तुमने जिम में बटुए का इस्तेमाल किया था? नहीं, क्योंकि मेंबरशिप शुल्क हर महीने मेरे बैंक खाते से अपने आप ही भुगतान होता है। ओह, याद आया, मैंने वेंडिंग मशीन से जूस खरीदा था। ठीक है, फिर वहां चलकर ढूंढते हैं। हमें हमारे ग्रुप की अगली प्रस्तुति के संबंध में एक मीटिंग करनी ही होगी। हाँ, तुम कब फ्री हो? मैं सोमवार, बुधवार और गुरुवार को स्कूल आता हूँ। तो हम दोनों के लिए बुधवार या गुरुवार सही रहेगा, क्योंकि मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ हूँ, तो गुरुवार दोपहर को कैसा रहेगा? गुरुवार को मेरी तीसरी अवधि तक क्लास है, लेकिन मैं तीसरी अवधि की अर्थशास्त्र क्लास के बाद मिल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद 5 बजे से मेरी पार्ट टाइम नौकरी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिल सकता हूँ। वो बहुत कम समय है, तो फिर बुधवार कैसा रहेगा? दूसरी अवधि में आधुनिक इतिहास की क्लास और चौथी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्लास के अलावा मैं फ्री हूँ। अच्छा, तीसरी अवधि में मेरी एशियाई इतिहास क्लास है और उसके बाद शाम के वक्त पार्ट टाइम नौकरी है। सुबह जल्दी मिलकर दूसरी अवधि शुरू होने तक बात करना कैसा रहेगा? ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्यों न हम गुरुवार को मिले। मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी को बदलकर किसी और दिन अनुसूचित कर लूंगा। ठीक है, कृपया पाठ खत्म होने पर कैफेटेरिया में आ जाना। एक छात्र और एक छात्रा अपनी कक्षा अनुसूची देखते हुए बात कर रहे हैं। छात्र की मीटिंग के दिन की अनुसूची चुनिए। हमें हमारे ग्रुप की अगली प्रस्तुति के संबंध में एक मीटिंग करनी ही होगी। हाँ, तुम कब फ्री हो? मैं सोमवार, बुधवार और गुरुवार को स्कूल आता हूँ। तो हम दोनों के लिए बुधवार या गुरुवार सही रहेगा, क्योंकि मैं मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को यहाँ हूँ, तो गुरुवार दोपहर को कैसा रहेगा?
गुरुवार को मेरी तीसरी अवधि तक क्लास है, लेकिन मैं तीसरी अवधि की अर्थशास्त्र क्लास के बाद मिल सकता हूँ। लेकिन उसके बाद 5 बजे से मेरी पार्ट टाइम नौकरी है, इसलिए मैं सिर्फ 1 घंटे के लिए ही मिल सकता हूँ। वो बहुत कम समय है, तो फिर बुधवार कैसा रहेगा? दूसरी अवधि में आधुनिक इतिहास की क्लास और चौथी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्लास के अलावा मैं फ्री हूँ। अच्छा, तीसरी अवधि में मेरी एशियाई इतिहास क्लास है और उसके बाद शाम के वक्त पार्ट टाइम नौकरी है। सुबह जल्दी मिलकर दूसरी अवधि शुरू होने तक बात करना कैसा रहेगा? ऐसा है कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पाता, क्यों न हम गुरुवार को मिले। मैं अपनी पार्ट टाइम नौकरी को बदलकर किसी और दिन अनुसूचित कर लूंगा। ठीक है, कृपया पाठ खत्म होने पर कैफेटेरिया में आ जाना। मैंने सुना है आपका एक जुड़वा भाई है, मुझे यह पता नहीं था। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं हम एक जैसे नहीं लगते। मेरा भाई इस तस्वीर में है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है? मुझे तुम्हारे जैसे दिखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, शायद यह टोपी वाले। नहीं, वह नहीं, उसके मेरी तरह काले बाल हैं। फिर यह लंबे वाले? नहीं, वह इतना लंबा नहीं है। मैं अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा, सच में तुम दोनों की शक्ल नहीं मिलती। हाँ, जानती हूँ, शायद चश्मे के कारण दिक्कत हो रही है। चश्मा? तो यह बाएं से दूसरा है। सही पहचाना, क्या मैं इन जैसी दिखती हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। एक आदमी और एक औरत एक तस्वीर को देखकर बात कर रहे हैं। औरत का छोटा भाई कौन सा है? मैंने सुना है आपका एक जुड़वा भाई है, मुझे यह पता नहीं था। हाँ, लेकिन लोग कहते हैं हम एक जैसे नहीं लगते। मेरा भाई इस तस्वीर में है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि वो कौन है? मुझे तुम्हारे जैसे दिखने वाला कोई नजर नहीं आ रहा, शायद यह टोपी वाले। नहीं, वह नहीं, उसके मेरी तरह काले बाल हैं। फिर यह लंबे वाले? नहीं, वह इतना लंबा नहीं है। मैं अभी भी उन्हें ढूंढ नहीं पा रहा, सच में तुम दोनों की शक्ल नहीं मिलती। हाँ, जानती हूँ, शायद चश्मे के कारण दिक्कत हो रही है। चश्मा? तो यह बाएं से दूसरा है। सही पहचाना, क्या मैं इन जैसी दिखती हूँ? नहीं, मुझे नहीं लगता। अरे, इस लेख को देखो, यह 10 साल और 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय 3 विषयों के बारे में है। ओ, दिखाना जरा। अच्छा, शारीरिक शिक्षा 10 साल के बच्चों की सूची में सबसे ऊपर है। शारीरिक शिक्षा अभी भी लोकप्रिय है, हालांकि मैंने सुना है कि इन दिनों बच्चे खेलने में कम समय बिताते हैं। हाँ, और संगीत दूसरे स्थान पे है। हाँ, 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय विषय इतिहास है। 10 साल की उम्र के तुलना में जब आप 15 साल के हो जाते हैं, तब अलग विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है। ठीक, और राजनीति दूसरे स्थान पे है, आईटी तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब हम उस उम्र के थे तब ये स्कूल के पाठ में ही नहीं था। वैसे 10 साल के बच्चों में तीसरा लोकप्रिय विषय कौन सा था? कहाँ लिखा है? हाँ, कला था। क्या पता इन दिनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सारे डिजाइन बनाते हो। एक आदमी और एक औरत बच्चों के पसंदीदा विषयों के बारे में एक सर्वेक्षण को देखकर बात कर रहे हैं। कौन सा चार्ट 15 साल के बच्चों के लिए परिणाम दिखाता है? अरे, इस लेख को देखो, यह 10 साल और 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय 3 विषयों के बारे में है। ओ, दिखाना जरा। अच्छा, शारीरिक शिक्षा 10 साल के बच्चों की सूची में सबसे ऊपर है। शारीरिक शिक्षा अभी भी लोकप्रिय है, हालांकि मैंने सुना है कि इन दिनों बच्चे खेलने में कम समय बिताते हैं। हाँ, और संगीत दूसरे स्थान पे है। हाँ, 15 साल के बच्चों में सबसे लोकप्रिय विषय इतिहास है। 10 साल की उम्र के तुलना में जब आप 15 साल के हो जाते हैं, तब अलग विषयों में आपकी रुचि बढ़ती है। ठीक, और राजनीति दूसरे स्थान पे है, आईटी तीसरे स्थान पर है, लेकिन जब हम उस उम्र के थे
तब ये स्कूल के पाठ में ही नहीं था। वैसे 10 साल के बच्चों में तीसरा लोकप्रिय विषय कौन सा था? कहाँ लिखा है? हाँ, कला था। क्या पता इन दिनों कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से सारे डिजाइन बनाते हो। यह आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान है। सप्ताह की शुरुआत में दिन भर ज्यादातर धूप रहेगी, हालांकि समय समय पर बादल छाने की संभावना भी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में बारिश भी होगी। सप्ताह के बीच में जब मौसम खराब होने लगे तब कुछ तूफान आएंगे। अधिकतम तापमान औसत वर्ष के समान ही रहेगा और सप्ताह के पहले भाग में करीब 20 डिग्री तक जाएगा, लेकिन सप्ताह के अंत में ये औसत वर्ष की तुलना में कम हो जाएगा और 18 डिग्री से घटकर 15 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री जारी रहेगा, जो कि सामान्य से थोड़ा कम है। कल रविवार को धूप खिली होगी और ये एक छुट्टी के लिए एकदम सही मौसम रहेगा। टीवी पर मौसम की जानकारी संचार की जा रही है। आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान क्या है? यह आने वाले सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान है। सप्ताह की शुरुआत में दिन भर ज्यादातर धूप रहेगी, हालांकि समय समय पर बादल छाने की संभावना भी है। सप्ताह के उत्तरार्ध में बादल छाए रहेंगे और कुछ जगहों में बारिश भी होगी। सप्ताह के बीच में जब मौसम खराब होने लगे तब कुछ तूफान आएंगे। अधिकतम तापमान औसत वर्ष के समान ही रहेगा और सप्ताह के पहले भाग में करीब 20 डिग्री तक जाएगा, लेकिन सप्ताह के अंत में ये औसत वर्ष की तुलना में कम हो जाएगा और 18 डिग्री से घटकर 15 डिग्री हो जाएगा। न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री जारी रहेगा, जो कि सामान्य से थोड़ा कम है। कल रविवार को धूप खिली होगी और ये एक छुट्टी के लिए एकदम सही मौसम रहेगा। हेलो, मेरे पास मानव संसाधन और लेखांकन विभाग के लिए डिलीवरी है। धन्यवाद, दोनों चौथी मंजिल पर है। अच्छा, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ चीजें भी लेनी हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 विभाग हैं, उनमें से कौन सा? देखता हूँ, दूसरा विभाग है। सेल्स डिपार्टमेंट का दूसरा विभाग दूसरी मंजिल पर है। वहाँ दरवाजे पर एक इंटरकॉम लगा हुआ है, तो आपको जिनसे काम है उन्हें कॉल कर लीजिएगा। समझ गया। क्या मैं उस लिफ्ट से ऊपर जा सकता हूँ? माफ कीजिए, लेकिन वह लिफ्ट अभी सुरक्षा निरीक्षण के लिए बंद है। आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत धन्यवाद। एक डिलीवरी देने वाला व्यक्ति एक रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है। डिलीवरी देने वाला व्यक्ति आगे क्या करेगा? गलत जवाब चुनिए। हेलो, मेरे पास मानव संसाधन और लेखांकन विभाग के लिए डिलीवरी है। धन्यवाद, दोनों चौथी मंजिल पर है। अच्छा, मुझे सेल्स डिपार्टमेंट से कुछ चीजें भी लेनी हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में 2 विभाग हैं, उनमें से कौन सा? देखता हूँ, दूसरा विभाग है। सेल्स डिपार्टमेंट का दूसरा विभाग दूसरी मंजिल पर है। वहाँ दरवाजे पर एक इंटरकॉम लगा हुआ है, तो आपको जिनसे काम है उन्हें कॉल कर लीजिएगा। समझ गया। क्या मैं उस लिफ्ट से ऊपर जा सकता हूँ? माफ कीजिए, लेकिन वह लिफ्ट अभी सुरक्षा निरीक्षण के लिए बंद है। आपको सीढ़ियों का इस्तेमाल करने में कोई आपत्ति तो नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बहुत धन्यवाद। Want to speak real Hindi from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at HindiPod101.com. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज्यादा होगी। अब
दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। एक आदमी अपनी कंपनी की सेल्स संपादन के बारे में मीटिंग में प्रस्तुति कर रहा है। वह कौन से दो आकृति अपने प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल कर रहा है? दिए गए कागज को देखिए। बाएं तरफ की आकृति हमारी कंपनी की पिछले 3 सालों की संपादन और इस साल की सेल्स पूर्वानुमान दिखाती है। दाएं की चार्ट इस साल के अक्टूबर तक की हर महीने की सेल्स दिखाती है। अभी बाईं आकृति की तरफ देखिए। इसके अनुसार सेल पिछले 3 सालों से बढ़ रही है। हम ऐसे ही सेल बढ़ाते रहे तो इस साल की सेल कुल मिलाकर पिछले साल से ज्यादा होगी। अब दाएं की चार्ट को देखिए। दाएं की आकृति दिखाती है कि हमारे अप्रैल और अगस्त के कैंपेन काफी सफल रहे। अच्छा, लेकिन मई और सितंबर में कैंपेन के बाद सेल्स कम हो गई। हाँ, लेकिन इस तरह का पलटाव टाला नहीं जा सकता। मेरा अनुमान है कि इस वर्ष की सेल पिछले साल की तुलना में ज्यादा होगी अगर हम सेल इसी तरह बढ़ाते रहे। शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ़ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूँगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूँगा। एक आदमी एक खेल क्लब में भर्ती हो रहा है और वहाँ के नियमों की जानकारी प्राप्त कर रहा है। वह भर्ती होने की कौन सी योजना चुनेगा? शुरुआत में मैं आपको हमारे क्लब के अलग अलग मेंबरशिप योजनाएं समझाती हूँ, जैसे कि इस ब्रोशर में लिखे हैं। नियमित मेंबर्स जिम खाना और तैरने का पूल किसी भी दिन किसी भी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ सवेरे की मेंबरशिप भी है, उन लोगों के लिए जो सिर्फ सुबह में सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और रात की मेंबरशिप उनके लिए जो सिर्फ रात को आना चाहते हैं। सवेरे के मेंबर्स के लिए क्या समय है? सवेरे के मेंबर्स सुविधाओं को सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक और रात के मेंबर्स शाम के 6 बजे से लेकर 11 बजे तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो सवेरे के मेंबर्स काम पे जाने के रास्ते यहाँ रुककर सुविधाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, सवेरे की मेंबरशिप 9 से 5 के नौकरी करने वालों में लोकप्रिय है, और हम सिर्फ जिमखाना या सिर्फ पूल के लिए अलग से मेंबरशिप भी देते हैं। मैं जिमखाना और पूल दोनों का उपयोग करना चाहूँगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिमखाना सुबह जल्दी काम से पहले आना चाहूँगा और शनिवार रविवार को पूल इस्तेमाल करना चाहूँगा। आपके पास कोई ऐसी योजना है
जो हफ्ते में सिर्फ सुबह और शनिवार रविवार को पूरे दिन के लिए हो? नहीं, माफ कीजिए, ऐसी मेंबरशिप हम नहीं देते। ठीक है, शनिवार रविवार को मुझे नहीं लगता मैं इतनी जल्दी उठना चाहूंगा, तो मैं इस योजना में भर्ती होना चाहूंगा। हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद, हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे, सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिजाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिजाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिजाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफी होगा एक डिजाइन चुनकर आखिरी डिजाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिजाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। एक महिला अपने कंपनी के विवरण पुस्तिका और कागज बनाने वाले प्रिंटिंग कंपनी के एक कार्यकर्ता से बात कर रही है। विवरण पुस्तिका की पहली डिजाइन मसौदा की समय सीमा कब है? हमने नए उत्पाद की लॉन्च 15 अक्टूबर को तय किया है और उसके विवरण पुस्तिका बनाने का काम आपको देना चाहेंगे। धन्यवाद, हम इस काम को लेकर बहुत उत्सुक हैं। आपके कार्यक्रम के बारे में थोड़ा बताएंगे, सब कुछ कब तक तैयार चाहिए होगा? प्रिंटिंग के लिए समय रखने का सोचते हुए हम विवरण पुस्तिका को सितंबर के अंत तक प्रिंटिंग के लिए तैयार करना चाहेंगे। तो क्या अगस्त के 15 तारीख तक आप पहला मसौदा हमें दे पाएंगे? वैसे तो पहले मसौदे के लिए हम आपको 3 डिजाइन देना पसंद करेंगे, ताकि आप उनमें से सबसे योग्य डिजाइन चुन सकें। फिर हम आपकी पसंद के आधार पर आखिरी डिजाइन बनाते हैं। इसलिए अगर आप हमें कुछ 2 हफ्ते और दे सकें तो बेहतर होगा। अच्छा, ठीक है, शायद 1 महीना काफी होगा एक डिजाइन चुनकर आखिरी डिजाइन तक पहुंचने में। ठीक है, हम आपके भरोसे आगे बढ़ेंगे। आप निश्चिंत रहिए, हमारी डिजाइन टीम बहुत उत्तम काम करती है। धन्यवाद। हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं, आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। अगर आपको एतराज नहीं है तो आपको 2 सीटें हम अलग अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट है? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के 3 सीट बाद एक और खाली सीट है। बाईं तरफ? अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है? यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। एक महिला फोन पर एक नाटक के टिकटें बुक कर रही है, वह कौन से 2 सीट बुक करती है? हेलो, ब्लैक फ्रायर्स प्ले हाउस, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? किंग लियर के 5:30 बजे के 2 टिकटें लेने हैं, आपके पास सीटें खाली हैं? सीटें खाली हैं, लेकिन एक साथ नहीं है। अगर आपको एतराज नहीं है तो आपको 2 सीटें हम अलग अलग से दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। सीटों की कोई विशेष पसंद है? कोई गलियारे सीट है? हाँ, बीच के सेक्शन के बाईं तरफ एक गलियारा सीट है और उसके दाएं के
तीन सीट बाद एक और खाली सीट है। बाएं तरफ। अच्छा, तो उस गलियारे सीट को बुक कर दीजिए। जी, और दूसरा सीट? कोई बीचों बीच सीट खाली है? बीच के सीट सिर्फ सामने की पहली लाइन और तीसरी लाइन में है। ज्यादा सामने से देखने की इच्छा तो नहीं है? यह हॉल काफी छोटा है, तो आप रो के अंत या साइड में बैठकर भी नाटक का मजा ले सकते हैं। अच्छा, तो फिर आपने जो पहले बताया था वो बाएं तरफ की दूसरी सीट ही बुक कर दीजिए। ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओ, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना, यही सबसे जरूरी है। अच्छा। और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है, सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। एक आदमी और औरत अपने काम के अगले दिन की प्रदर्शन की योजना को लेकर बात कर रहे हैं। उनके बातचीत के बाद वह औरत क्या जांच करेगी? ठीक है, मुझे लगता है कि हम कल के प्रदर्शन के लिए बस तैयार ही हैं। बस कुछ चीजें बाकी हैं। सम्मेलन ठीक 9 बजे शुरू होगा, तो तुम आज सम्मेलन का कमरा दोबारा पता कर लोगी? हाँ, मैंने पता कर लिया है। ठीक है, क्या तुमने देखा कि प्रोजेक्टर काम कर रहा है कि नहीं? ओ, मैं वो कल देखने वाली थी जब मेरे साथ मेरा लैपटॉप हो। नहीं, आज ही देखना होगा। सुबह में कोई गड़बड़ हो तो ठीक करने का समय नहीं होगा, तो आज ही देख लेना, यही सबसे जरूरी है। अच्छा। और तुमने कागजों के कॉपी बनाए? तानाका जी वो अभी कर रहे हैं। अच्छा, तो और क्या? ओह, तुमने बोर्ड को चेक किया? हाँ, वो देख लिया है। कभी कभी कलम में स्याही खत्म हो जाती है, सब कलम ठीक हैं क्या? वो जांच नहीं किया है, मगर थोड़ी देर में उनको देख लूंगी। हाँ, वह आज ही जरूर देख लेना। हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा? इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है, तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है, इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफी अच्छा है। ओ रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा। एक आदमी और एक औरत एक होटल चुन रहे हैं। वे कौन सा होटल चुनेंगे? हमें अपने अगले महीने के ट्रिप के लिए होटल तय करना है। ठीक है, चलो इंटरनेट पे चेक करते हैं। ओशन होटल बीच के पास है, $120 में प्रति रात, और उसमें बुफे ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। पाइन होटल कैसा रहेगा?
इसमें $80 प्रति रात है। मैं रहने पे ज्यादा खर्च नहीं करना चाहता। लेकिन पाइन होटल बीच से और शहर के केंद्र से दूर है, और इसमें लिखा है कि वाईफाई के लिए भुगतान करना पड़ता है। सनराइज होटल के बारे में क्या ख्याल है? यहाँ आमतौर पे $140 प्रति रात लागत आती है, लेकिन अभी वहाँ कैंपेन चल रहा है तो हम $90 में एक रात के लिए रुक सकते हैं। यह बीच और शहर के मध्य में है, इसके अलावा यहाँ मुफ्त वाईफाई भी है। काफी अच्छा है। ओ रुको, इसमें लिखा है यह सौदा केवल अगले हफ्ते के लिए ही है। ओह, वह मैंने नहीं देखा। तो इस रॉयल होटल के बारे में क्या ख्याल है? ये शहर के बीच में है और इसमें $100 प्रति रात की लागत है। कमरा इतना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ मुफ्त वाईफाई है। ठीक है, चलो यह होटल बुक करते हैं। ओह, यह पहले से ही पूरी तरह से भरा हुआ है। उफ, फिर मुझे लगता है पहले वाला ही सबसे अच्छा है। क्या वह भरा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा। चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को चार वर्गों में अलग कर देते हैं। चार लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे, इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। दो दो टेबलों की चार पंक्तियां बनाओ। एक आदमी और एक औरत मीटिंग रूम के नक्शे के बारे में बात कर रहे हैं। वो टेबलों की व्यवस्था कैसे करेंगे? चलो कल की मीटिंग के लिए टेबलों की व्यवस्था करें। ठीक है। क्या हमें सभी टेबलों को कमरे के बीच में रखना चाहिए ताकि सभी आसपास बैठे और एक दूसरे को देख पाएं? नहीं, पहले एक समूह सत्र होगा, तो टेबलों को चार वर्गों में अलग कर देते हैं। चार लोग एक समूह में बैठेंगे। ठीक है, और मैं हर एक टेबल पे नोटपैड और पेन रख दूंगी। धन्यवाद। और हम सत्र शुरू करने से पहले एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके एक संक्षिप्त विवरण देंगे, इसलिए हमें एक प्रोजेक्टर की जरूरत है। ठीक है। इसके अलावा हम एक सफेद बोर्ड का इस्तेमाल भी करेंगे, है ना? क्या अगर मैं सफेद बोर्ड को स्क्रीन के करीब रख दूं तो ठीक रहेगा? सफेद बोर्ड को स्क्रीन के विपरीत लगाने के बारे में क्या ख्याल है? इसे कमरे के पीछे रख देते हैं। ठीक है। और मीटिंग के बाद सारा सामान वापस लाना मत भूलना। दो दो टेबलों की चार पंक्तियां बनाओ। आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है। चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और दो बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है, क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओ, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज प्रिंट नहीं करते। ओ, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की जरूरत है। हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओ, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी खत्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज के स्टॉक की जांच करते हैं, और अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। जरूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए, और बदले में बैटरीज का 1 6 का पैक खरीद लेना।
एक आदमी और एक औरत कार्यालय की आपूर्ति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी क्या ऑर्डर करेगा? आपको हमारे कार्यालय की आपूर्ति वस्तुओं के स्टॉक की जांच करके महीने में एक बार ऑर्डर देना है। चलो इस चेकलिस्ट के साथ इस बार मिलकर जांच करते हैं। धन्यवाद। तो चलो कागजों से शुरू करते हैं। ऐसा लगता है केवल एक बॉक्स ही रह गया है। हम हर दिन कागज बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो चलो और दो बॉक्स ऑर्डर कर दें। ठीक है, प्रिंटर में रंगीन स्याही खत्म है, क्या हमें उसका ऑर्डर देना चाहिए? ओ, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम रंगीन दस्तावेज प्रिंट नहीं करते। ओ, ऐसा क्या? ठीक है, लगता है कि सफेद बोर्ड के कुछ मार्कर में स्याही कम है। हाँ, उनको बदलने की जरूरत है। हम 5 मार्कर के सेट का ऑर्डर करते हैं तो हमें छूट मिलती है, तो चलो वैसा करते हैं। ठीक है। ओ, क्या हम माउस ऑर्डर कर सकते हैं? मेरे माउस की प्रतिक्रिया धीमी लग रही है। मुझे लगता है बैटरी खत्म होने के कारण से ऐसा है। बैटरीज के स्टॉक की जांच करते हैं और अगर हमारे पास ज्यादा नहीं है तो ऑर्डर करते हैं। जरूर। खैर, हमारे पास यहाँ 3 बैटरीज हैं। आप अपने माउस के लिए यहाँ से 2 ले लीजिए और बदले में बैटरीज का 1-6 का पैक खरीद लेना। माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि किताबें उधार लेने का क्या तरीका है? क्या आप इस पुस्तकालय में पहली बार आई हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको नियम समझाता हूँ। इस पुस्तकालय में एक व्यक्ति 6 किताबें और 5 CD या DVD उधार ले सकता है, लेकिन आप कुल मिलाकर 10 ही चीजें उधार ले सकते हैं। उधार की अवधि 2 सप्ताह तक की है और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो समय सीमा समाप्त होने से पहले नवीकरण करवा सकते हैं। क्या मैं पत्रिका और अखबार भी उधार ले सकती हूँ? आप अखबार उधार नहीं ले सकते, लेकिन नवीनतम पत्रिकाओं को छोड़कर बाकी पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। क्या मैं उन्हें डाक के माध्यम से लौटा सकती हूँ? हम उन्हें डाक के द्वारा स्वीकार नहीं करते। उन्हें लौटाने के लिए कृपया पुस्तकालय में आकर लौटाएं। पुस्तकालय के बंद हो जाने के बाद आप उन्हें रिटर्न बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि प्रवेश द्वार के पास है, लेकिन अगर आपको लौटाने में देर हो गई हो तो रिटर्न बॉक्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बहुत धन्यवाद। एक महिला पुस्तकालय में सामग्री के परिसंचरण व्यवस्था के बारे में पूछ रही है। पुस्तकालय एक समय में कितनी चीजें उधार देता है? माफ कीजिए, क्या आप बता सकते हैं कि किताबें उधार लेने का क्या तरीका है? क्या आप इस पुस्तकालय में पहली बार आई हैं? जी हाँ। ठीक है, मैं आपको नियम समझाता हूँ। इस पुस्तकालय में एक व्यक्ति 6 किताबें और 5 CD या DVD उधार ले सकता है, लेकिन आप कुल मिलाकर 10 ही चीजें उधार ले सकते हैं। उधार की अवधि 2 सप्ताह तक की है और अगर आप समय बढ़ाना चाहते हैं तो समय सीमा समाप्त होने से पहले नवीकरण करवा सकते हैं। क्या मैं पत्रिका और अखबार भी उधार ले सकती हूँ? आप अखबार उधार नहीं ले सकते, लेकिन नवीनतम पत्रिकाओं को छोड़कर बाकी पत्रिकाएं उधार ले सकते हैं। क्या मैं उन्हें डाक के माध्यम से लौटा सकती हूँ? हम उन्हें डाक के द्वारा स्वीकार नहीं करते। उन्हें लौटाने के लिए कृपया पुस्तकालय में आकर लौटाएं। पुस्तकालय के बंद हो जाने के बाद आप उन्हें रिटर्न बॉक्स में डाल सकते हैं, जो कि प्रवेश द्वार के पास है, लेकिन अगर आपको लौटाने में देर हो गई हो तो रिटर्न बॉक्स इस्तेमाल ना करें। अच्छा, बहुत धन्यवाद। आप इस बार किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य स्कूबा डाइविंग है। क्योंकि उपकरण मैं खुद ले जा रहा हूँ, मुझे चिंता है कि यात्रा के दौरान वे चोरी हो सकते हैं। अच्छा, चोरी के लिए बीमा हमारी हरेक योजना में शामिल है, लेकिन क्योंकि स्कूबा डाइविंग के उपकरण एक विशेष प्रकार के हैं तो वह केवल प्लान A की योजना में ही शामिल है। या फिर आप अन्य योजनाओं के साथ स्कूबा डाइविंग के उपकरणों के लिए एक विशेष अनुबंध जोड़ सकते हैं। प्लान A सबसे महंगा है ना? प्लान B और प्लान C के बीच क्या अंतर है? जी, उदाहरण के लिए अगर आप विदेश के अस्पताल में भर्ती होते हैं तो प्लान B में आपसे मिलने के लिए आपके परिवार की हवाई यात्रा के टिकट उपलब्ध हैं, प्लान C में नहीं है। ठीक है,
अगर मैं स्कूबा डाइविंग उपकरणों के लिए प्लान बी या प्लान सी में विशेष अनुबंध जोड़ता हूँ तो क्या वो प्लान ए से महंगा होगा? उससे प्लान बी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन प्लान सी थोड़ा सस्ता। ठीक है, वैसे प्लान सी से सस्ता कोई प्लान है? जी हाँ, हमारे पास प्लान डी है, लेकिन ये आपकी उड़ान की देरी या रद्द हो जाने की स्थिति में आपके आवास के खर्च को कवर नहीं करता, तो हम इस योजना की सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ मैं मानता हूँ कि वैसी स्थिति की विशेषता भी बीमा में जरूरी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने परिवार की हवाई टिकट के लिए कवरेज की जरूरत है, तो मैं यह वाला प्लान विशेष अनुबंध के साथ लूंगा। एक आदमी अपने लिए यात्रा बीमा योजना चुन रहा है, वह कौन सी योजना में भर्ती होगा? आप इस बार किस तरह की यात्रा पर जा रहे हैं? मुख्य उद्देश्य स्कूबा डाइविंग है। क्योंकि उपकरण मैं खुद ले जा रहा हूँ, मुझे चिंता है कि यात्रा के दौरान वे चोरी हो सकते हैं। अच्छा, चोरी के लिए बीमा हमारी हरेक योजना में शामिल है, लेकिन क्योंकि स्कूबा डाइविंग के उपकरण एक विशेष प्रकार के हैं, तो वह केवल प्लान ए की योजना में ही शामिल है। या फिर आप अन्य योजनाओं के साथ स्कूबा डाइविंग के उपकरणों के लिए एक विशेष अनुबंध जोड़ सकते हैं। प्लान ए सबसे महंगा है ना? प्लान बी और प्लान सी के बीच क्या अंतर है? जी, उदाहरण के लिए अगर आप विदेश के अस्पताल में भर्ती होते हैं, तो प्लान बी में आपसे मिलने के लिए आपके परिवार की हवाई यात्रा के टिकट उपलब्ध हैं, प्लान सी में नहीं है। ठीक है, अगर मैं स्कूबा डाइविंग उपकरणों के लिए प्लान बी या प्लान सी में विशेष अनुबंध जोड़ता हूँ तो क्या वो प्लान ए से महंगा होगा? उससे प्लान बी ज्यादा महंगा होगा, लेकिन प्लान सी थोड़ा सस्ता। ठीक है, वैसे प्लान सी से सस्ता कोई प्लान है? जी हाँ, हमारे पास प्लान डी है, लेकिन ये आपकी उड़ान की देरी या रद्द हो जाने की स्थिति में आपके आवास के खर्च को कवर नहीं करता, तो हम इस योजना की सिफारिश नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ मैं मानता हूँ कि वैसी स्थिति की विशेषता भी बीमा में जरूरी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने परिवार की हवाई टिकट के लिए कवरेज की जरूरत है, तो मैं यह वाला प्लान विशेष अनुबंध के साथ लूंगा। हमने पिछले सप्ताह 200 कर्मचारियों को अपने फिटनेस आदतों के बारे में एक प्रश्नावली भरने को कहा। सवाल ये था कि वे सप्ताह में कितने घंटे व्यायाम करते हैं, और परिणाम ये है। क्या आपने ए और बी ब्रांच के परिणामों का अलग से हिसाब किया है? जी, और हमने 4 विकल्प दिए, 1 घंटे से कम, लगभग 1 से 2 घंटे, लगभग 3 से 5 घंटे और 6 घंटे या उससे ज्यादा। और दोनों ब्रांच के लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटे को सबसे ज्यादा चुना है। ऐसा लगता है कि वे सप्ताह में एक बार व्यायाम करते हैं। जी, दूसरा प्रमुख विकल्प लगभग 3 से 5 घंटे था ब्रांच ए के लिए, लेकिन ब्रांच बी के लिए 1 घंटे से कम। ब्रांच बी में 10% कर्मचारी भी 6 घंटे से ज्यादा व्यायाम नहीं करते। जी बिल्कुल, मैं एक खेल आयोजन समारोह के बारे में सोच रही थी जिसमें कोई भी आसानी से शामिल हो सकता है। यह एक अच्छा विचार है, यह कर्मचारियों के एक दूसरे से मिलने के लिए भी अच्छा मौका होगा। मैं यह आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। एक महिला अपने बॉस को प्रश्नावली के परिणामों की रिपोर्ट दे रही है। कौन सा ग्राफ बी ब्रांच के कर्मचारियों को दर्शा रहा है? हमने पिछले सप्ताह 200 कर्मचारियों को अपने फिटनेस आदतों के बारे में एक प्रश्नावली भरने को कहा। सवाल ये था कि वे सप्ताह में कितने घंटे व्यायाम करते हैं, और परिणाम ये है। क्या आपने ए और बी ब्रांच के परिणामों का अलग से हिसाब किया है? जी, और हमने 4 विकल्प दिए, 1 घंटे से कम, लगभग 1 से 2 घंटे, लगभग 3 से 5 घंटे और 6 घंटे या उससे ज्यादा। और दोनों ब्रांच के लोगों ने लगभग 1 से 2 घंटे को सबसे ज्यादा चुना है। ऐसा लगता है कि वे सप्ताह में एक बार व्यायाम करते हैं। जी, दूसरा प्रमुख विकल्प लगभग 3 से 5 घंटे था ब्रांच ए के लिए, लेकिन ब्रांच बी के लिए 1 घंटे से कम।
ब्रांच बी में 10% कर्मचारी भी 6 घंटे से ज्यादा व्यायाम नहीं करते। जी बिल्कुल, मैं एक खेल आयोजन समारोह के बारे में सोच रही थी जिसमें कोई भी आसानी से शामिल हो सकता है। यह एक अच्छा विचार है, यह कर्मचारियों के एक दूसरे से मिलने के लिए भी अच्छा मौका होगा। मैं यह आप पे छोड़ देता हूँ। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी। मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है, बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज्यादा एटीएम नहीं है। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। एक आदमी और एक औरत बैंकों के बारे में बातें कर रहे हैं। औरत कौन सा बैंक चुनेगी? मैं एक नया बैंक अकाउंट खोलने का सोच रही हूँ क्योंकि मैं एक नई पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर रही हूँ। आपके विचार में कौन सा बैंक अच्छा है? यह निर्भर करता है कि आप क्या ढूंढ रही हैं। उदाहरण के लिए, दोनों बैंक ए और बी की कई शाखाएं और एटीएम हैं, जिससे आपको पैसे के लेन देन में ज्यादा सुविधा होगी। लेकिन बैंक ए हर बार एटीएम इस्तेमाल करने पर शुल्क काटता है, बैंक बी सप्ताह के दिनों में दिन भर एटीएम शुल्क नहीं काटता। अच्छा, एटीएम शुल्क की बात है तो बैंक सी हमेशा मुफ्त होता है, हालांकि उनके ज्यादा एटीएम नहीं है। अच्छा, लेकिन यह बात मुझे पसंद नहीं कि उनके ज्यादा एटीएम नहीं है। वैसे ऊंचे ब्याज दर का विषय आता है तो बैंक डी सबसे अच्छा है। अच्छा, लेकिन मैं इस बैंक अकाउंट को सिर्फ अंशकालिक नौकरी की कमाई के लिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ और ज्यादा पैसे जमा करने का नहीं सोच रही। तो फिर आपको वह बैंक चुनना चाहिए जिसके बहुत सारे एटीएम्स और कम शुल्क हो। ठीक है, आपकी सलाह के लिए धन्यवाद। हम कल कौन से मार्ग से जाएं? मैं संग्रहालय, महल और वेदशाला जाना पसंद करूंगी। मैं रास्ते में कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदना चाहता हूँ। संग्रहालय 8 से 6 बजे तक खुला है और महल 9 से 4 बजे तक। फिर वेदशाला सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक खुली है। महल में दिन में 2 बार विशेष निर्देशित टूर है, 1 12 बजे से और दूसरा 2 बजे से। मैं उनमें से एक में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह टूर पहले से बुक करना पड़ता है। क्या तुम वह इंटरनेट पर चेक कर सकते हो? अच्छा, ओ 12 बजे वाला टूर भर चुका है। क्या 2 बजे वाला बुक करना सही रहेगा? जरूर, हम दोपहर के भोजन के बाद उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हम पहले कहाँ जाना चाहते हैं, संग्रहालय या वेदशाला? मैं रात का दृश्य देखना चाहूंगी, तो अगर हम 4 बजे तक महल में रहें और फिर अंधेरा होने पर वेदशाला जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है। ठीक है, लंच हम संग्रहालय के अंदर के रेस्तरां में कर लेते हैं। उसके बाद महल का टूर शुरू होने से पहले हम कुछ स्मृति चिन्ह वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये प्लान अच्छा प्रतीत होता है। एक आदमी और एक औरत अपने भ्रमण का मार्ग तय कर रहे हैं। वे शहर में किस क्रम में घूमेंगे? हम कल कौन से मार्ग से जाएं? मैं संग्रहालय, महल और वेदशाला जाना पसंद करूंगी। मैं रास्ते में कुछ स्मृति चिन्ह भी खरीदना चाहता हूँ। संग्रहालय 8 से 6 बजे तक खुला है और महल 9 से 4 बजे तक। फिर वेदशाला सुबह के 9 बजे से शाम के 9 बजे तक खुली है। महल में दिन में 2 बार विशेष निर्देशित टूर है, 1 12 बजे से और दूसरा 2 बजे से। मैं उनमें से एक में भाग लेना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि वह टूर पहले से बुक करना पड़ता है।
क्या तुम वह इंटरनेट पर चेक कर सकते हो? अच्छा, ओ 12 बजे वाला टूर भर चुका है, क्या 2 बजे वाला बुक करना सही रहेगा? जरूर, हम दोपहर के भोजन के बाद उसमें शामिल हो सकते हैं। फिर हम पहले कहाँ जाना चाहते हैं, संग्रहालय या वेधशाला? मैं रात का दृश्य देखना चाहूंगी, तो अगर हम 4 बजे तक महल में रहें और फिर अंधेरा होने पर वेधशाला जाएं तो कैसा रहेगा? अच्छा विचार है। ठीक है, लंच हम संग्रहालय के अंदर के रेस्तरां में कर लेते हैं, उसके बाद महल का टूर शुरू होने से पहले हम कुछ स्मृति चिन्ह वस्तुएं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये प्लान अच्छा प्रतीत होता है। हम चाहते हैं कि आप हमारे नए चॉकलेट उत्पादों की पैकेजिंग डिजाइन बनाएं। हम 2 उत्पाद एक साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, एक 30% कोको वाली मीठी चॉकलेट है और दूसरी 80% कोको की मीठी और कड़वी चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या हम वो 30% और 80% के अक्षरों को प्रख्यात बनाना चाहेंगे? हाँ जी, शायद हम उन्हें पैकेजिंग के केंद्र में डाल सकते हैं या फिर अलग रंग कर सकते हैं। ठीक है, मीठे चॉकलेट के लिए लाल रंग के डिब्बे पर काले अक्षरों में 30% और मीठे और कड़वे चॉकलेट के लिए काले रंग के डिब्बे पर लाल अक्षरों में 80% कैसा रहेगा? हाँ, या दोनों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखना कैसा रहेगा? मुझे लगता है उससे शानदार छवि बेहतर प्रतीत होगी। अच्छा विचार है। मुझे लगता है हमें अक्षरों को और स्पष्ट बनाने के लिए सफेद बॉर्डर में फ्रेम भी करना चाहिए। लेआउट के नक्शे के लिए क्या कोको ऊपर के बाएं तरफ, बीच में चॉकलेट की छवि और कोको की प्रतिशत नीचे के दाएं तरफ ठीक रहेगा? हाँ, और कृपया प्रतिशत लिखने के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यह भी चाहता हूँ कि वह अक्षर उत्पाद के नाम से अलग फॉन्ट में लिखे जाएं और उन्हें खासकर बोल्ड बनाएं। समझ गई। जब पैकेज तैयार हो जाएगा तब हम आपको ईमेल भेज देंगे। आपको ये कब तक चाहिए? हो सके तो क्या आप उन्हें इस सप्ताह के अंत तक बना सकते हैं? इस सप्ताह के अंत तक? ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। डिजाइन विभाग में काम करने वाली एक महिला अपने R&D टीम के सहयोगी से बात कर रही है। सही उत्पाद पैकेजों को चुनिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे नए चॉकलेट उत्पादों की पैकेजिंग डिजाइन बनाएं। हम 2 उत्पाद एक साथ लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं, एक 30% कोको वाली मीठी चॉकलेट है और दूसरी 80% कोको की मीठी और कड़वी चॉकलेट है। ठीक है, तो क्या हम वो 30% और 80% के अक्षरों को प्रख्यात बनाना चाहेंगे? हाँ जी, शायद हम उन्हें पैकेजिंग के केंद्र में डाल सकते हैं या फिर अलग रंग कर सकते हैं। ठीक है, मीठे चॉकलेट के लिए लाल रंग के डिब्बे पर काले अक्षरों में 30% और मीठे और कड़वे चॉकलेट के लिए काले रंग के डिब्बे पर लाल अक्षरों में 80% कैसा रहेगा? हाँ, या दोनों के लिए सुनहरे अक्षरों में लिखना कैसा रहेगा? मुझे लगता है उससे शानदार छवि बेहतर प्रतीत होगी। अच्छा विचार है। मुझे लगता है हमें अक्षरों को और स्पष्ट बनाने के लिए सफेद बॉर्डर में फ्रेम भी करना चाहिए। लेआउट के नक्शे के लिए क्या कोको ऊपर के बाएं तरफ, बीच में चॉकलेट की छवि और कोको की प्रतिशत नीचे के दाएं तरफ ठीक रहेगा? हाँ, और कृपया प्रतिशत लिखने के लिए बड़े अक्षरों का इस्तेमाल कीजिएगा। मैं यह भी चाहता हूँ कि वह अक्षर उत्पाद के नाम से अलग फॉन्ट में लिखे जाएं और उन्हें खासकर बोल्ड बनाएं। समझ गई। जब पैकेज तैयार हो जाएगा तब हम आपको ईमेल भेज देंगे। आपको ये कब तक चाहिए? हो सके तो क्या आप उन्हें इस सप्ताह के अंत तक बना सकते हैं? इस सप्ताह के अंत तक? ठीक है, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हमारी दिसंबर से फरवरी तक की बिक्री अच्छी थी। हाँ, सीमित संस्करण के उत्पादों ने काफी अच्छा किया, लेकिन अफसोस है कि जो नया उत्पाद हमने मार्च में लॉन्च किया था वो ज्यादा बिका नहीं और उसके कारण उस महीने की बिक्री कम रही। अक्टूबर और मार्च में हमारी बिक्री कम थी। सामान्य रूप से हमारी बिक्री बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर की बिक्री वर्ष की दूसरी छमाही में सबसे खराब मासिक बिक्री थी। हुआ यह था कि हमारे एक प्रतियोगी ने अक्टूबर में इस मोहल्ले में कॉफी की दुकान खोली और शुरुआत में उन्होंने हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था।
मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। हमारे ग्राहकों के लिंग व उम्र के आंकड़े देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक 20 से 30 साल के बीच की उम्र की महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि हमें उनका आना बनाए रखने के लिए नए अभियान के उपाय पैदा करने होंगे। नियमित कॉफ़ी उत्पादों के अलावा हम और साइड डिश के विकल्प को प्राप्य बना सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे ग्राहकों में लगभग 20% 20 से 30 साल के पुरुष हैं, तो हमें ऐसी सेवाओं के बारे में सोचना होगा जो उनको भी लुभाएं। अच्छा, जैसे कि व्यवसायी कर्मचारियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। कॉफी की दुकान के कर्मचारी अपनी बिक्री के बारे में बात कर रहे हैं। वह ग्राफ चुनिए जिसे वे देख रहे हैं। हमारी दिसंबर से फरवरी तक की बिक्री अच्छी थी। हाँ, सीमित संस्करण के उत्पादों ने काफी अच्छा किया, लेकिन अफसोस है कि जो नया उत्पाद हमने मार्च में लॉन्च किया था वो ज्यादा बिका नहीं, और उसके कारण उस महीने की बिक्री कम रही। अक्टूबर और मार्च में हमारी बिक्री कम थी। सामान्य रूप से हमारी बिक्री बढ़ती रही, लेकिन अक्टूबर की बिक्री वर्ष की दूसरी छमाही में सबसे खराब मासिक बिक्री थी। हुआ यह था कि हमारे एक प्रतियोगी ने अक्टूबर में इस मोहल्ले में कॉफी की दुकान खोली और शुरुआत में उन्होंने हमारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लिया था। मैं ये देखकर खुश हूँ कि हमारे ग्राहक वापस आ रहे हैं। हमारे ग्राहकों के लिंग व उम्र के आंकड़े देखते हुए हमें पता चलता है कि हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक 20 से 30 साल के बीच की उम्र की महिलाएं हैं। इसका मतलब है कि हमें उनका आना बनाए रखने के लिए नए अभियान के उपाय पैदा करने होंगे। नियमित कॉफी उत्पादों के अलावा हम और साइड डिश के विकल्प को प्राप्य बना सकते हैं। हाँ जी, लेकिन हमारे ग्राहकों में लगभग 20% 20 से 30 साल के पुरुष हैं, तो हमें ऐसी सेवाओं के बारे में सोचना होगा जो उनको भी लुभाएं। अच्छा, जैसे कि व्यवसायी कर्मचारियों के लिए मुफ्त वाईफाई सेवा। ठीक है, इसके बारे में सोचते हैं। हेलो, ये ग्राहक सेवा लाइन है। हेलो, मुझे अभी अभी अपना खरीदा हुआ सामान मिला है, लेकिन यह वो चीजें नहीं है जो मैंने ऑर्डर की थी। हमें खेद है, क्या गलत है? मैंने एक 3 बटन वाली जैकेट ऑर्डर की थी, लेकिन जो मुझे मिली है उसमें सिर्फ 2 बटन है। अच्छा, मुझे लगता है कि वह आइटम गलत मॉडल की है। इस गलती के लिए हमें बहुत खेद है, हम उसे अभी बदल देंगे। तो कृपया क्या आप उसे माल इकट्ठा करने वाली गाड़ी के जरिए वापस भेज देंगे? ठीक है, और यह कमीज आपकी वेबसाइट पर जो मैंने देखी थी उससे बिल्कुल अलग है। जो मेरी अपेक्षा थी यह उससे बहुत अलग है। मैं इसे भी बदलना चाहता हूँ। क्या अलग है? मैंने समझा था कि यह बिना कॉलर की टी शर्ट है, लेकिन यह कॉलर वाली एक पोलो शर्ट निकली। ठीक है, क्या आपने टैग काट दिया है? हाँ, मैंने काट दिया है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तस्वीर में दिखाई देता है। क्या मैं अभी भी इसे वापस कर सकता हूँ? सर, हमारे पास ये कमीज कॉलर और बिना कॉलर के उपलब्ध ज़रूर है। हमारे डाटा के अनुसार आपने कॉलर वाली शर्ट को चुना था। अच्छा, तो मैंने गलत आइटम को चुन लिया होगा। जब तक टैग लगा हुआ होता है हम उस उत्पाद को बदल सकते हैं, लेकिन टैग काटने के पश्चात ऐसा करना मुश्किल होगा। समझ गया, क्या फिर आप कृपया सिर्फ जैकेट बदल देंगे? ज़रूर, एक बार फिर हमें इस असुविधा के लिए खेद है। एक आदमी इंटरनेट से खरीदे हुए उत्पादों के बारे में शिकायत कर रहा है, वह क्या उत्पाद बदलेगा? हेलो, ये ग्राहक सेवा लाइन है। हेलो, मुझे अभी अभी अपना खरीदा हुआ सामान मिला है, लेकिन यह वो चीज़ें नहीं हैं जो मैंने ऑर्डर की थी। हमें खेद है, क्या गलत है? मैंने एक 3 बटन वाली जैकेट ऑर्डर की थी, लेकिन जो मुझे मिली है उसमें सिर्फ 2 बटन है। अच्छा, मुझे लगता है कि वह आइटम गलत मॉडल की है। इस गलती के लिए हमें बहुत खेद है, हम उसे अभी बदल देंगे। तो कृपया क्या आप उसे माल इकट्ठा करने वाली गाड़ी के जरिए वापस भेज देंगे? ठीक है, और यह कमीज आपकी वेबसाइट पर जो मैंने देखी थी उससे बिल्कुल अलग है। जो मेरी अपेक्षा थी यह उससे बहुत अलग है। मैं इसे भी बदलना चाहता हूँ। क्या अलग है? मैंने समझा था कि यह बिना कॉलर की टी शर्ट है, लेकिन यह कॉलर वाली एक पोलो शर्ट निकली। ठीक है,
क्या आपने टैग काट दिया है? हाँ, मैंने काट दिया है, लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा तस्वीर में दिखाई देता है। क्या मैं अभी भी इसे वापस कर सकता हूँ? सर, हमारे पास ये कमीज कॉलर और बिना कॉलर के उपलब्ध जरूर है। हमारे डाटा के अनुसार आपने कॉलर वाली शर्ट को चुना था। अच्छा, तो मैंने गलत आइटम को चुन लिया होगा। जब तक टैग लगा हुआ होता है, हम उस उत्पाद को बदल सकते हैं, लेकिन टैग काटने के पश्चात ऐसा करना मुश्किल होगा। समझ गया। क्या फिर आप कृपया सिर्फ जैकेट बदल देंगे? जरूर। एक बार फिर हमें इस असुविधा के लिए खेद है।